देखा, खुद रख के भूल गई होंगी और इल्जाम सारा लगा दिया हम पे। दिन में किचन में से सामान निकाल कर दे रही थी अलमारियों में से, बीच में मुनीर भाई का कहीं फोन आ गया, मैंने चाबियां थमाई कि दीदी ये चाबियां संभाल के रखना, अभी आके लेती हूँ, बस यही मेरी गलती थी बस। अम्मी हमने नहीं खोई चाबियां। हाँ ठीक है, ये बाद में देख लेंगे, अभी तो खाने की बात हो रही है ना। भाई चाइनीज खाते हैं, इतना बड़े मजे आ रहे हैं चाइनीज मंगवा ले बेचारे। मजे तो आ रहे हैं भाई, चाबियां गुमी है, मंगाना तो पड़ेगा। गंदे किचन का खाना खाते हैं तो मैंने इस घर की खवातीन रोटियां पकाने से पहले हाथ धोती भी हैं कि नहीं? इंसान से भूल चुक तो हो ही जाती है ना, हो सकता है आप गलती से ले आई हो चाबियां इस कमरे में। हम शर्त लगा सकते हैं कि अगर चाबियां इस कमरे से मिली ना तो हम आपको जहां कहेंगी बाहर खाना खिलाएंगे। भाभी शर्त लगाना तो बहुत बुरी बात है। हाय हाय, तो हम अपनी खुशी से अगर चाबियां यहां से मिल गई तो आप जहां कहेंगी बाहर खाना खिलाएंगे सब घर वालों को। ठीक है, जहां से कहेंगे। हाँ भाई, और अगर नहीं मिली तो तलवार सिंह से पूछ लेते हैं क्या खिलाएंगे। वो डांट के अलावा खिला क्या सकती हैं। की स्वीट डिश, दो चम्मच खा के मजा आ जाता है। वैसे आप आजकल बहुत चेक रही हैं, कहीं चाबियां आप ही के पास तो। मेरे पास? मैं तो किचन में गई। हाँ आप कहाँ गई? मगर ये चाबियां गई कहाँ? या अल्लाह, बस हमारी इज्जत रखिए, ये चाबियां हमारे कमरे से ना मिले, भले जमादार ले गया। मैडम ने तो नहीं उठा ली चाबियां, बेध्यानी में पागल सी तो लगती हैं। मैडम तो सब मार्केट गई थी। मार्केट गई थी, शो सब सो रहे थे, शायस्ता किचन में आई नहीं। भाभी की तो सीटी गुम हो गई है। सीटी नहीं, सिटी। बहुत होशियार समझती थी ना अपने आपको। काम तो वैसे आप भी नहीं है जी कुछ। मुझ पे उनका शक चला गया था, वो तो घुमा दिया, चक्कर तो नहीं आए। अरे मैडम, बस आप आज रात के खाने की तैयारी करें, बाहर खाएंगे खाना। हाँ जी, जब कार में कुछ पकेगा नहीं तो खाना तो बाहर से ही आएगा ना। अरे चाबियां तो मिल जाएंगी, एनी भाभी के कमरे से मिलेंगी ना, सबको बाहर खाना खिलाएंगे। खिला ही ना दें कहीं एनी भाभी खाना, इतनी कंजूस है वो तो। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। ऊंट पहाड़ पर यहाँ कैसे? मैडम मुहावरा है, यानी के ये जो चाबी है ये है पहाड़, ते एनी भाभी जो है जो कि बड़े छोटे काद की है वो है ऊंट। आप ज्यादा ना सोचा करें, मिसाल है। लेकिन फिर भी तीन भाभी बातें सोचने की है ना, ऊंट पहाड़ यहाँ पे एनी भाभी चाबी है। आइए यार,
अल्लाह ताला, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ है, बस कुछ भी हो इस कमरे से चाबियां ना मिले, वरना कितनी बेइज्जती होगी हमारी, सबको खाना भी खिलाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो 2-in-1 नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर चाबियां हैं भी यहाँ तो गायब कर दे, हम 10 गरीबों को खाना खिलाएंगे, एक औरत को अपना पुराना सूट भी दे देंगे, अच्छा सैंडल भी दे देंगे, बस खुदा के लिए चाबियां ना मिले यहाँ से। हाय अल्लाह जी। अरे भाई तेरी, तुम क्यों खड़े मुंह देख रहे हो, ढूंढो ना। भाई चाबियां तो यहाँ पर भी नहीं है। देखा, हमने कहा था चाबियां तो यहाँ है ही नहीं, मगर हमारी सुनता ही कौन है। सॉरी दे रही हूँ। ये भी तो ड्रॉअर है ना, इसके अंदर तो देखो यार, कहीं ना कहीं होंगे भाई। ये मजी भाई कुछ आवाज तो आ रही है। ओए निकाल निकाल निकाल, चले कहाँ मेरी भाभी? बाहर खाना खाने। वो ना जी, उसे ना बड़ी कार में लाग दी है, नींद नहीं आ रही। एसी चल तो रहा है? हाँ जी, सिर्फ चल ही रहा है, ते हवाएं फेंक रहे, ठंड ठुंड कोई नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूं भाई, मुंह में बर्फ डाल के तो ठंडी फूके मारना शुरू हो जाऊं तुम्हें। कुछ तो करे ना जी। क्या ढूंढ रहे हैं? फोन कहाँ है मेरा? अच्छा, उससे ठंडी हवा आ जाती है। ले मैं भी ना, मुझे पहले पता होता मैं आपको उठाती ना। इससे ठंडी हवा नहीं आती भाई, एसी वाले को फोन करके बुलाने लगा कि वो आकर तो ठीक कर जाए। हाँ है, इस वक्त कैसे आएगा वो? उसकी तुम्हें फिक्र है, और मुझे जो इस वक्त तुमने सोते हुए उठाया उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तो फिर मैं क्या करूं भाई? तुम जाकर नीचे तो डीप फ्रीजर में जाकर तो लेट जाओ। ले, सुबह तक तो मेरी कुल्फी जम जाएगी उसमें। और इस तरह मुझे सारी रात जगाई रखोगी तो मेरी सुबह तक दिमाग की दही बन जाएगी। अच्छा चले, आप सो जाए, शाबाश आप सो जाए, मैं कुछ और ही सोच लेती हूँ अपनी देर। खुदा का वास्ता है, तुम जो भी सोचो लेकिन प्लीज सुबह तक उसमें मेरा जिक्र कहीं ना आए। चलो फिर मैं कुछ और ही सोच लेती हूँ। मैं ना एक काम करती हूँ, उठ के फ्लावर ले लेती हूँ, बड़ी कार में रही है। फ्लावर? फ्लावर में कौन सा एसी आ गया मफिन? ओ जी, फ्लावर में पानी तो आता है, और क्या आता है? खुदा का वास्ता है, आधी रात को उठाकर उल्टी फुल्टी अंग्रेजी मत सुना करो, अल्लाह की कसम नींद उड़ जाती। अब मैंने क्या किया है जी? स्वीट हार्ट, उसको फ्लावर नहीं, उसको शावर कहते हैं, शावर। हाँ जी, वही वही, ठंडे अंग्रेज रहने नहीं। चले आप स्लीप करें, करें स्लीप। इस घर में जो भी आया बेइज्जत ही हुआ है। लेकिन तुम तो बहुत लकी हो मैडम, कुकरी तो तुम पे बहुत जान छिड़कता है।
ओ जी नाम ना ले जान का, वो तो मुझ पे नमक छिड़कता है, वो भी पार पार के। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। मुझे दे। डरने की क्या जरूरत है, डरते रहते हैं, वो फ्लावर में पानी नहीं आ रहा। यार शैंक में, कमोड की शैंक में चेक कर लो, उसमें से पानी चोरी करके नहा लो, कुछ कर लो प्लीज। ये क्या, मैं कह रही हूँ उठते हैं आप भी हर वक्त। ओ जी उठे। मैडम देखिए टकरा गई। सारी जी वो क्या है ना कि आजकल मेरी नींद नूंद कोई पूरी नहीं होती, इतनी गर्मी है। तो और क्या, खास तौर पे किचन में इतनी गर्मी है, इतनी मर्तबा कहा एग्जॉस्ट फैन लगवा दे, पर यहाँ बहुओं को पूछता कौन है। ओ जी आप बहुओं की बात कर रही हैं, यहाँ तो बीवियों को कोई नहीं पूछता। हाँ इस घर में जो भी आया बेइज्जत ही हुआ है। लेकिन तुम तो बहुत लकी हो मैडम, कुकली तो तुम पे बहुत जान छिड़कता है। ओ जी नाम ना ले जान का, वो तो मुझ पे नमक छिड़कता है, वो भी पार पार के। इतना तो अच्छा है मेरा देवर। ओ जी सामने के हंसी मजाक पे ना जाए, ये सारे भाई अंदर से एक को ही है, सामने कुछ ते पीछे कुछ। खैर मज्जी तो सामने भी अच्छे नहीं है, डांट देते हैं सबके मुझे। मैडम आजकल आपको दिन में बहुत नींद आ रही है, सारी सारी रात गुगली से बातें करती होगी। किधर जी, तौबा करे बात बूझ को, जो मेरी सौतन होती है ना उससे मेरा पीछे ही नहीं छूटता। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, तो मम्मी डैडी से बात क्यों नहीं करती। की थी जी, कहने लगे हमने तो सब कुछ पहले ही बता दिया था। तुमने शुरू में ही बहुत धीर दे दी। ओ जी मैंने तो सख्ती की थी शुरू में, लेकिन उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, उन्होंने खबरदार कोई इसको हाथ ना लगाए। इतना टीवी से इश्क तो मैंने कभी लोगों को देखा। कोई नहीं जी, सिर्फ कर कर देखने का ख्वाब था उन्हें तो। अच्छा जी यही सो जाती हूँ, हवा तो है खुले आसमान के नीचे, अंदर तो साड़ी हुई गाड़नी है। मेरा तो हर वक्त का यही रोना रहेगा। तो मम्मी कितनी गर्मी हो रही है। अरे तो तुम्हें क्या फिक्र है, हैं? तुम तो सारी रात चैन से एसी में सोती हो, तुम्हें क्या फिक्र? अम्मी वो तो आप ही एसी में ही सोती हैं। अरे हम भी सोते हैं, पर तुम्हारी तरह वावेला नहीं करते बीबी। हाय गर्मी सर पे निसवार की भी गर्मी। तलवार सिंह अल्लाह ही बचाए आपसे है। हाँ, अम्मी वो मैडम का जिक्र कर रहे थे कि वो तो सोई जा रही हैं आजकल, पता नहीं कितनी नींद आ रही है उन्हें। सीधी जन्नत में जाएंगी इंशाल्लाह। मम्मी नींद का जन्नत से क्या ताल्लुक? अरे भाई जब हर वक्त सोती पड़ी रहेंगी तो ना हिसाब ना किताब सीधे फरिश्ते जन्नत में लेके चले जाएंगे। वैसे तहरीन भी यही कह रही थी कि हंडिया भूनते भूनते सोई चली जा रही है, गिरे चली जा रही है। अल्लाह जाने कितना सोएंगी। अरे भाई मैं तो हैरान हो रही हूँ, ये उम्र और इस कदर की नींद। अरे इस उम्र में तो मैं फजर के वक्त उठती थी। हाँ और फिर पूरा घर सर पर उठाकर खुद सो जाती थी, और फिर रात गए 10 बजे तक हराम है जो कमर में टिका दूं बिस्तर से, फिर कनी की तरह घूमती थी, कभी यहाँ काम कभी वहाँ काम, कभी यहाँ काम कभी वहाँ काम। रात को जाके कहीं टेक लगाते थे बिस्तर से हम। तौबा भाई हमने कभी ऐसी नींदें नहीं की। 12 साल से तो हमें फिर कनी बनाया हुआ है। क्या कह रही हो जी? वो मैडम, मैडम। अरे तुम क्या मैडम को ले बैठी, तुमने तो पूरे घर की लुटिया ही डुबो दी है, तुम्हें देखकर तो वैसी हुई है। हाँ अम्मी तब की क्या बात करती हैं, आप तो अभी भी सारे काम कर सकती हैं। अब ऐसा कहाँ, खुला तंज कर रही हो तुम। तुम चमचागिरी से बाज ना आना, इनकी तो तारीफ करना भी गुनाह है। वो तो हम कहते नहीं आपके सामने, पर आप तो हम तीनों को साइड पे करके सारे घर के काम अकेले कर सकती हैं। बात सुनो, अब तुम जाओ, मैं थक गई बातें कर करके। अच्छा जा, मैं आराम करूंगी। जल्दी हिल लिया करो जरा। एसी चला दे आप? नहीं रहने दीजिए। आप जरा जाएं जल्दी।
ये नहीं पता कि जल्दी हिलने से जरा वजन कम हो जाता है, वजन का रोना रोती रहती है, हिलजुल नहीं करनी कभी भी। मैडम तुम्हें बुला रही हूँ, मैडम इधर आओ। अरे बहरी हो गई, यहाँ आओ। अरे लड़की नींद के साथ साथ अकल भी चली गई। अम्मी जान आपने मुझे बुलाया? इस वक्त तुम्हारे अलावा यहाँ है तो कोई नहीं, जिन भूत तो नहीं है, तुम्हें ही बुलाया होगा। बात सुनो, ऊपर से जाके कपड़े उतार लो छत से, आई समझ कुछ। और सुनो सीढ़ियों से जाना पैर रख रख के, वापस भी वैसे ही आना। तुम्हें तो हमेशा वैसे ही आती जाती हूँ। तो फिर आपने क्यों कहा? इसलिए कि आजकल जो तुम्हारा हाल चल रहा है ना, तुमसे कोई बज नहीं कि तुम सर के बल आओ जाओ। मेरा क्या हाल चल रहा है जी, ठीक ठाक तो हूँ मैं। वो असल में गर्मी बड़ी हो गई ना। हाँ जी गर्मी तो अम्मी जान कस ले बहुत है। हाय मेरा कमरा कैसा तंदूर आग भगोला तपता हुआ हफ्स वाला हो रहा है। अरे मेरी बच्ची मैं तो भूल ही गई, अरे घर बनवाते हुए तुम्हें बुलाना भूल गई, तुमसे मशवरा लेना था घर बनवाते हुए। तुम्हें बहू बन के जो आना था, है ना अम्मी जान? लेकिन उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, बहू बन के कैसे आती? अरे मैडम मेरा दिमाग भी तेरे जैसा हो जाएगा। जा मेरी बच्ची ऊपर से जाके ना, जा जाके शाबाश कपड़े ले जाके, कपड़े ले आओ जाके। तोबा है ये तो दिमाग ही पिलपिला कर देती है बिल्कुल, अजीब किस्म की लड़की। हद है तो। ओहो अब कपड़े ले आएंगे खैरियत से। सुने जी सुने जी मैं ना कह रही हूँ, ये क्यों कितने जमानों से बुड्ढा सड़ा हुआ एसी लगा हुआ है, इसको तो तब्दील करा दे आप। समझो हो गया कर देंगे। अच्छा जी मेरी बात सुने, आपको पता है इस कार में ना सब मेरी बड़ी बेइज्जती करते हैं, रातें मेरी गुजरती हैं बेचैन, तो दिन सारा मैं लेती हूँ बासी है। मफिन इस घर में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है? हाँ जी। तुम्हारा? मुझे तो पता चले कौन कौन तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं इस घर में, मैं भी तो देखूं। वो ना जी अपनी अम्मी भाभी तरीन भाभी और तो और आपकी अम्मी जान। अच्छा देखो अम्मी जान का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अम्मी है, वो तो समझो कि जैसे ओपन पासपोर्ट पर सफर करती है घर में। हाँ ये है कि तहरीम भाभी और एनी भाभी से बात जरूर की जा सकती है। कि वो मेरा मजाक ना उड़ाए? तो जाहिर है। अच्छा जी वो मैं ना कह रही थी कि ना इस एसी को तब्दील करा देते हैं और इसकी जगह ना नया स्पुल्ट लगा लेते हैं। मफिन स्पुल्ट एसी लगाने के लिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। ले पुला आप फिक्र ही ना करो, पैसे मैं दे दूंगी। कंट्रीब्यूशंस? हाँ जी पर मेरी एक शर्त है। जो के है? वो ये है कि स्पोर्ट लगना है कल ही कल, से मैंने उसके बगैर नहीं सोना। चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो तुमने उसके साथ ही सोना। ओ जी वो आपकी मर्जी है, मुझे तो बस स्पोर्ट चाहिए। तो जाहिर है नया लगाएंगे तो ऑन करके ही सोना ना। ठीक है अब मैं सो जाती हूँ, आपने टीवी टूवी कोई नहीं देखना, चले सोए सच्ची सवेली फिर मेरा सर खाते हैं सब, चले सो जाए छेती। इतनी अच्छी न्यूज़ का ओ सो जा जी। समझो मैं सो गया हूँ। सुन रहा इतनी खुश कितनी है? वो जी क्या है ना कि आज ना मेरे कमरे में नया स्पॉइल लग रहा है। स्पॉइल?